शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से कांग्रेस विधायक केपी सिंह द्वारा कथित रूप से महिलाओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दर्ज मुकदमे में विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज महिलाओं ने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। महिलाओं ने कहा कि विधायक को गिरफ्तार करो, नहीं तो 10 दिन बाद हम धरने पर बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे तब तक विधायक की गिरफ्तारी ना हो जाए। ज्ञापन देने वाली महिला तारा लोधी, रीना रानी, मुन्नी सिया, बबली काजल, पूनम व महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा शिवहरे, बबीता जाटव आदि कई लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि पिछोर विधायक केपी सिंह द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है एवं महिलाओं का सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया है जो कि अति निंदनीय है। पिछोर विधायक के खिलाफ थाना पिछोर में केस दर्ज किया गया था लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही चालान पेश किया गया। महिलाओं ने एसपी को दिए ज्ञापन में मांग की है कि वह विधायक एवं आम जनता में भेदभाव ना करें और पिछोर विधायक पर जो मामला दर्ज हुआ है उसमें अन्य धाराओं का इजाफा कर गिरफ्तारी की जाए। अगर 10 दिनों के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपका? मेरा नाम मणिमाला गुप्ता है। क्या आप कहाँ से आई हैं? मैं भौती पिछोर परगना से। लेकर आई हैं भाई? यह विधायक ने अभद्र व्यवहार किया हम महिलाओं के साथ में, इसलिए हम लोग गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे आपकी, किस तरह के व्यवहार है? उनका व्यवहार बहुत गंदा है क्योंकि महिलाओं के प्रति उन्होंने बहुत गलत शब्द कहा है, इसलिए हम लोग उनके लिए गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आए। महिलाओं के समर्थन में भी क्या? हमारी पार्टी की महिला उनके समर्थन में नहीं है, जो उनकी पार्टी की होंगी उनकी महिला उनके समर्थन में हो सकती हैं, हमारी पार्टी की एक भी महिला उनके समर्थन में नहीं है। पार्टियों की महिला अलग अलग होती है, महिला तो एक ही होती है ना? नहीं, तो जो उनके साथ में है ना, केपी सिंह के साथ में है ना, जो उनकी महिलाएं अलग होंगी क्योंकि वो ही तो कहलवा रही हैं। सभी महिलाओं का आज की डेट में प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो भाजपा सरकार वहां से ऊपर से आदेश क्यों नहीं देती उनकी गिरफ्तारी की? आपको ज्ञापन देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों, हमारे लिए उन्होंने अभद्र व्यवहार कहा है ना, तो क्वेश्चन है कि आपके प्रदेश में नहीं, तो अब हमने तो ये नहीं सुना ना कि कौन महिला क्या कह रही, कौन महिला क्या नहीं कह रही है। जब हमने अपने लिए सुना है तो हम अपने मांग करने के लिए आए हैं। हाँ, की मांगे पूरी नहीं होती, आगे क्या करने वाला है महिला समाज? आगे अगर नहीं हमारी मांगे होगी तो फिर हम आगे और चल के देखेंगे क्या करना है। क्या करोगे आपके, कोई क्या सजेशन रहेगा या किस पर? हम लोग अनशन पे बैठेंगे और क्या करेंगे, धरना देंगे, सारी महिलाएं इकट्ठे होकर के धरना देंगे, अनशन पे बैठेंगे और क्या करेंगे।